यार मैं क्या बताऊं, मैं ये बताना चाहता हूं कि हॉटस्टार पे ऑलरेडी है फिल्म, तो प्लीज़ जाके देखिए। हमको बड़ा मज़ा आया फिल्म बनाते हुए, आई रियली होप आप लोगों को भी देखते हुए बड़ा मज़ा आए। कानपुर मतलब इतना फिल्मों में अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है, सो हमारा जो डायरेक्टर भी है आशीष, ही इज़ फ्रॉम कानपुर, तो वहाँ की कहानियाँ कुछ चुन के लाया है। मेरा कैरेक्टर जो है वो विजय दीनानाथ चौहान का है और वकील का कैरेक्टर है। लाइफ का पहला केस जो है वो अपने लिए ही लड़ रहा है, इस पर ही किसी ने केस कर दिया है। तो ऐसी आयरनीज से भरा हुआ शहर है कानपुर, जिसको हमने कोशिश करी है दिखाने की। लेट्स सी इफ यू गाइस लाइक इट। एक्चुअली सिर्फ नाम ही है और दैट्स द आयरनी अबाउट द कैरेक्टर, कि एक बच्चन साहब ने विजय दीनानाथ चौहान प्ले किया था जो कि यू नो लार्जर देन लाइफ हीरो, और यहाँ पे एक विजय दीनानाथ चौहान मैंने किया है विच इज़ अ बॉय नेक्स्ट डोर, जो उसकी छोटी छोटी अपनी प्रॉब्लम संभाल रहा है और यू नो लाइफ के ज़्यादा बड़े मुद्दे नहीं हैं लेकिन छोटे छोटे मुद्दों में फंस के रह गया है, विच इज़ लाइक लाइफ राइट। हम सारे ऐसा नहीं होता कि वर्ल्ड पीस के लिए लड़ रहे हैं हम, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें हम अटक जाते हैं। सो दैट्स द आयरनी ऑफ द नेम एंड द कैरेक्टर। यार कानपुर के लोग मतलब उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, मतलब वो एक ऐसी चीज़ है, मतलब मुझे लगता है कानपुर एक वजह से बोला जाता है कि जब कानपुर बोला जाए तो पहले आप कान को हाथ लगाएं, तो मतलब वहाँ के लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर, फिर खाना उस शहर का, उस शहर की हिस्ट्री, पहले कानपुर के नाम से जाना जाता था फिर कानपुर बना वो, तो मतलब इट्स अ सिटी फुल ऑफ फ्लेवर्स, मतलब फुल ऑफ फ्लेवर्स। यार देखिए डिपेंड नहीं करता कि वेब सीरीज़ है या वेब फिल्म है, मुझे लगता है कॉन्टेंट क्या है, आप जो कहानी कहना चाह रहे हैं। मुझे हमेशा लगता है कि ज़्यादा मुश्किल है वेब फिल्म या वेब सीरीज़ बनाना, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है कि आप सिर्फ इंडियन मार्केट के साथ हैं, यू आर इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड, यू नो। अब आप और गेम ऑफ थ्रोन्स एक ही क्लिक अवे हैं, यू नो, या तो फिल्म लोग आपको देखेंगे या नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं है टिकट ले लिया तो देखेंगे। सो इट्स वेरी मेरिट बेस्ड, वो एक अच्छी बात है, तो जिसका कंटेंट अच्छा होगा मेरे हिसाब से वो ही आगे जाएगा। I'm expecting tonight is going to be too much of fun and too much of drama, I'm sure, because it's from Yodlee Films. So and they also are known to create something which is out of the box all the time. I've seen their previous films as well. So मैं होप कर रहा हूँ कि कुछ ट्विस्ट, कुछ ड्रामा, कुछ एंटरटेनमेंट, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, प्रेडोमिनेंटली बिकॉज इट्स योर लेयर्स। यस यस, सो आई थिंक इट्स रियली गुड एक्चुअली इन अ वे, बिकॉज जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स होंगे उतना ज़्यादा कॉन्टेंट होगा, उतना इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट होगा, एंड एवरी प्लेटफॉर्म वॉन्ट्स टू मेक समथिंग वेरी यूनिक एंड कॉन्टेंट ड्रिवन। सो आई यू विल हैव ब्यूटीफुल स्टोरीज, यू विल हैव रूटेड स्टोरीज, जिनको बहुत ज़्यादा जगह नहीं मिलती थी कभी मासिव फिल्म्स की वजह से या फिर यू नो बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक्स एंड द बिजनेस, बट आई थिंक वी विल हैव अ लॉट मोर प्लेटफॉर्म्स टू कम where a lot of great content and of course audience wants to see that as well. Yeah, that's right. Very important.